दोस्तों मिनी मुंबई में मेट्रो का बरसों पुराना इंतजार खत्म होने वाला है। मुंबई में जो मिनी मुंबई है वहाँ पर 3 डब्बों वाली रेल की शुरुआत होने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मिनी मुंबई और मिनी मुंबई में स्टार्ट होने वाले मेट्रो के बारे में जानेंगे। तो आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ये छोटा सा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों मिनी मुंबई में 7,500 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली मेट्रो रेल परियोजनाओं के पहल चरण की नींव 14 सितंबर 2019 को रखी गई थी। इसके तहत शहर में करीब 31.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल कॉरिडोर को बनाया जाना है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में मेट्रो रेल का बरसों पुराना इंतजार साल 2025 की शुरुआत में खत्म हो सकता है। शुरुआत में शहर के गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर के स्टेशन क्रमांक 3 के बीच 5.9 यानी कि 6 किलोमीटर के सर्वोच्च प्राथमिकता खंड वाले मेट्रो रेल चलाई जाएगी, जहाँ सितंबर 2023 में इसका ट्रायल रन किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि हम इस रूट पर नए साल की शुरुआत में मेट्रो रेल चलाने के आगाज की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए मार्ग पर हमारे अलग अलग परीक्षण जारी हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये परीक्षण पूरा होते ही मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद CMRS का दल इस मार्ग का निरीक्षण करके इंतजामों का जायजा लेगा। CMRS की हरी झंडी के बाद ही इस मार्ग पर मेट्रो रेल का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया जा सकता है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि शहर में मेट्रो रेल के स्टेशन इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि इनके जरिए 6 डिब्बों की रेल चलाई जा सकती है। हालांकि शुरुआत में हम 3 डिब्बों वाले रेल चलाएंगे, यात्रियों की तादाद बढ़ने पर इसमें 3 और डिब्बे जोड़े जा सकेंगे। मेट्रो रेल के 1 डिब्बे में करीब 300 यात्री सफर कर सकते हैं, जिनमें सीट पर बैठने वाले 50 लोग शामिल हैं। इंदौर में 7,500 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की नींव 14 सितंबर 2019 को रखी गई थी। इसके तहत शहर में करीब 31.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल कॉरिडोर बनाया जाना है। अब आपका सवाल होगा कि मिनी मुंबई किसे कहते हैं। तो गाइस, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। यह शहर साफ सफाई के कारण पूरे देश भर में जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जहां सबसे अधिक संपत्तियों के सौदे होते हैं। यहां मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे आदि शहरों से आकर के भी लोग बस रहे हैं। और चूंकि इंदौर एक धार्मिक स्थान भी है, पढ़ाई लिखाई से लेकर के रोजगार, स्टूडेंट की करियर से लेकर के खान पान, हर चीज में इंदौर काफी आगे है। इसके अलावा ये फैशन के मामले में भी काफी आगे है। यहाँ एक से बढ़कर एक मार्केट है। यहाँ का खान पान पूरे दुनिया में फेमस है। इंदौर को नमकीन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी वैरायटी के नमकीन मिलते हैं, जिसे खरीदने के लिए देश भर के लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ की नमकीन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिस कारण यह सिटी मिनी मुंबई के नाम से भी प्रचलित हो चुका है। आपको बता देगा इसकी मध्य प्रदेश का इंदौर 2 छोटी नदियों के तट पर स्थित है। यह छोटी नदियां शहर के केंद्र में मिलती है, जहां संगमनाथ या इंद्रेश्वर का 18वीं सदी का एक छोटा सा मंदिर है। इंदौर का नाम इसी देवता के नाम पर रखा गया है। इंदौर में लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। कोई भी व्यक्ति अपना छोटा मोटा काम आसानी से शुरू कर सकता है यहां पर। जिस तरह मुंबई लोगों के सपने को पूरा करती है, ठीक वैसे ही इंदौर भी लोगों के सपनों को पूरा करती है। मुंबई और इंदौर दोनों में बड़ी समानताएं हैं। महानगरीय माहौल है, भौगोलिक निकटता है, समान खान पान की आदत, जीवंताएं, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज लगभग सेम है। इसी तरह के कई सारे रीजन है जिसकी वजह से इसे मिनी मुंबई कहा जाता है। इसके अलावा इंदौर में कई इंडस्ट्रीज हब भी हैं। यहाँ निर्माण, IT, शिक्षा सहित कई सेक्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा गाइस, इंदौर मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज का घर है। यह भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार है। यहाँ IIM और IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी हैं। इसके अलावा इंदौर अपने ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि मिनी मुंबई किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। और इसी मिनी मुंबई में यानी कि इंदौर में बहुत जल्द मेट्रो स्टार्ट होने वाला है। मेट्रो पर काम लगातार चल रहा है। 2026 या फिर 2025 के लास्ट तक मेट्रो आपको देखने को मिल सकता है इंदौर में। बाकी आप इंदौर मेट्रो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेटेस्ट प्रोजेक्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है, और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं।